రైతుల ఉద్యమానికి కేంద్రం దిగిరాక తప్పదన్నారు భారతీయ కిసాన్ యూనియన్ అధికార ప్రతినిధి రాకేష్ టికాయత్. వ్యవసాయ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకునే వరకు తగ్గమన్నారు. ఇప్పటికైతే కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి తోమర్ నుంచి తమకు ఎలాంటి పిలుపు రాలేదన్నారు. సమస్య పరిష్కారానికి నిలపైనే సమయం పట్టొచ్చన్నారు టికాయత్. న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాడతామన్నారు. जो बैठक तो होती रहनी चाहिए ना सरकारों से। सिर्फ बैठकें हो रही है या कुछ निकल भी रहा है सलूशन? हाँ, उसमें जब भूमि अधिग्रहण एक्ट हुआ तो चार बैठक उसमें ऑथेंटिक थी और करीब करीब 18 बैठक अनौपचारिक थी। अब भी हो रही, अब भी ये अनौपचारिक है, जिन लोगों से मिलते हैं ये वैसे ही है, ये कोई फोन रिकॉर्ड थोड़ा होती है, बैठ के चर्चा करते हैं हम, ये वही तो है। तो आप भी सरकार से अनौपचारिक रूप से बैठते हैं तो सरकार भी समझाती होगी, आप भी उनको समझाते होंगे तो कुछ निकल। यही तो सरकार है, ये जो खड़े यही तो सरकार है, और कौन सी सरकार है? अभी तो है ही, और समस्या का हल निकलना चाहिए, सब लोग इसी में ही लग रहे कि समस्याओं का हल निकले। सरकार पूरी तरह से नकार चुकी है कि वो बिल वापस नहीं लेगी, और वह किसान भी कर चुके हैं कि भाई ये भी वापस नहीं जाएगा। नहीं, यही है, कब तक का तो कोई लिमिट थोड़ा। अब भाई घर वालों ने मैंने कर दिया कि यहाँ नहीं आना, बिल वापसी सरकार नहीं ले रही, अब क्या इसका हल निकलेगा, क्या इसका रिजल्ट होगा इस आंदोलन का? आज बैठक है किसानों की, क्या कुछ बैठक में किस मुद्दे पे बात होगी, क्या कुछ मैसेज दिया जाएगा सरकार को? बात करेंगे, अपनी आपस की बात है, वो तो अपनी सलाह करेंगे ना, उसमें अपनी सलाह करेंगे। सर, किसान कृषि मंत्री तोमर ने न्योता दिया है कि किसानों को वो आके बात करें और वो बदलाव करने को तैयार है, तो क्या आप जाएंगे अगर वो बुला रहे हैं? नहीं, हमारे पास तो नहीं आया अभी कुछ, सलाह करेंगे अगर कुछ आई होगी, किसी का कार्ड वार्ड कुछ आया होगा तो बात करेंगे। तो राकेश टिकैत जी जाएंगे अगर किसान? क्या पता कौन कौन जाएंगे, वो तो कमेटी तय करती है, कमेटी। जिस तरीके से कल ये NH9 भी बंद कर दिया, दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी हुई। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं बंद करा, 12 मिनट के लिए आए थे लोग, उन्हें बताने आए थे दिल्ली वालों को, हमें ये परेशानी नहीं, आप अपने घर जाओगे तो सलाह करना बताना।